चलिए सब कुछ हाथ बैग वैग लेके चलिए थे घर वर छोड़ छाड़ के और नहीं आएगा ना ऐसे ऐसे सामान लटका के ही रहा लग रहा है कि कौन सामान वाल बिक्री करके नहीं आता है उसी तरह झुलुंग झुलुंग आंस बैठा आते पहले गाड़ी बैठ गया देखो तुम लोग आएगा तब तक पहले बैठ तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की ओर देख रहे हैं अंजलि सब सामान अपना बोरिया बिस्तर ऐसे करके ले आई है बाप रे बाप घर लग रहा है घरे छोड़ के जा रही है कुछ उसी में अट जाएगा या पीछे देगा सब भी वहीं पे रख रहे हैं किस पीछे कर दे मैं पीछे कर अरे पीछे देखने में फिर ज्यादा गुस्सा देगा ठीक हो गया ना लॉक कर दो चलो ये हमारे इधर लॉक हो गया और सारा सामान लोड हो गया और कुछ नहीं आज हम लोग जा रहे रांची सुबह से रेडी होते 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 एक हो जाती है कारण हुआ मेरे घर ये कुछ बोले नहीं हमको पता था जाना है लेकिन इनसे हम बार बार पूछ रहे थे जाना है बोले नहीं जाना नहीं जाना लास्ट टाइम क्या बोले कि चलो जाना है और फिर एक बजे निकले घर में भी सबको अचानक से सुना तो बोला इतना अचानक से इनका जहाँ भी रहता है अचानक से अब सबको पता चल गया कि ले जाएगा तो अचानक से ही जाएगा इसीलिए अब उतना घर में किसी को फर्क नहीं पड़ता जब शुरू शुरू में से अचानक से बोल बोल के जाते थे तो सब गुस्सा खास करके पापा बोलते थे पहले बोलती नहीं है चली जाती है तो अब नहीं अब पापा को भी आदत हो गई अचानक से सुन सुन के कैसे मुँह छिपा रहे देखिए कहाँ छिपा रहे कहाँ छिपा रहे चलिए ना बताओ ये ड्रेस में आज अंजलि कैसी लग रही है ड्रेस अच्छा दिख रहा है हमको अच्छा लग रहा है पता नहीं बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है पता नहीं हमारा तो अच्छा लग रहा है तभी तो हम बोले कि ठीक है ले लो नहीं आप नहीं बोल रहे थे झूठ क्यों बोल रहे हैं मतलब हम बाद में बोले ना देखे तो अच्छा लगा था हाँ पहले आपको बोले कि अनकम्फर्टेबल लगेगा अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद फिर बोले कि ठीक लग रहा है तो ले सेम टाइप का कपड़ा पहन के दिखना चाहिए ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए इसीलिए बाकी ठीक है फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं रांची की ओर आराम से आराम से आराम से प्रोग्राम है एक तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं रांची अभी मीटअप अभी हम लोग रांची जा रहे हैं वहाँ पे एक प्रोग्राम है मीटअप है ना नहीं मीटअप नहीं प्रोग्राम है उसमें शायद बुलाया गया है अवार्ड देने के लिए ना क्या है अभी जाके पता चलेगा फिलहाल हम लोग इधर से गाड़ी के रास्ते में जाते टाइम तेल भर लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं अब हमारे बॉर्डर घुसेंगे 135 किलोमीटर यहाँ से है रांची को चलो चलते हैं मस्त रोडवा दिख रहा है गाड़ी आ गया समझ में नहीं आ रहा है देखिए कितना मस्त लग रहा है रास्ता और पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया है बारिश के कारण देखते देखते पूरा बारिश बढ़ गया जो ध्यान से चलना ठीक है पूरा बढ़ गया देखते ही देखते पूरा अरे बाप आराम आराम से चलो संभाल ही नहीं पा रहा है जो ये पूरा रास्ता पूरा हम लोग निकले तो वैसे लगा नहीं तो बारिश होगा लेकिन आते टाइम आते देखो पूरा बारिश शुरू हो गया लास्ट में खड़ा तो नहीं होना पड़ेगा ना कहाँ छूटा वो ऐसे छीटा मार रहा लग रहा उठा उठा पटक रहा और इधर हमारा दिखाइए ये आंख देख रहा गुच गुच करके अरे तू सो रे देखो बारिश कैसे हो रहा है पूरा धड़ल्ले घर से निकला तो ऐसे था धूप दे रहा था आंस बेटा जाग गया रे ये आते टाइम सो गया था रास्ता में और उसके बाद जाग के उचू उचू देख रहा है इससे हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा पूल के इधर पूल के ऊपर भी पानी भरा और नदी में भी पारा पानी भरा सभी तरफ नदी नदी हो गया रे बबुआ हम लोग और कितना देर लगेगा अभी बोकारो भी नहीं घुसे हैं बेटा बोकारो भी नहीं घुसे हैं कितना देर लगेगा रांची पहुंचने में ये तो अपना पूरा मस्ती खेल रहा है रफ्तार दे रहा टुकू टुकू करके वाह खेलो आराम से
ठीक है अच्छा बा ए, 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 तू दागी कहाँ से आके रोया था करे टोल टैक्स पे रुके हुए हैं और हमारा धर्मपत्री जो अंश बेटा दोनों आ गया बाहर। अभी क्या हुआ कि थाना है मकर लोग टोल टैक्स के आके रुक गए हैं क्योंकि बोले थोड़ा सा बहुत तब से बैठे बैठे नींद आ रहा था तो बोले चलो थोड़ा सा उतर जाते हैं और यहीं पे मकई वगैरह हो रही जल रही है मकई खा के आगे तरफ लोग बढ़ेंगे। तब से थक गए यही तो सो के आई है इसको तो कुछ बुझाया नहीं। अभी हेलो देखो मकई अभी जल रही है तो खाएंगे और इधर से जाएंगे खाते हुए आराम से देखते तो खाने शुरू कर दिया। हमारे बबुआ को पकड़ा दिया अंश को तो खाते रहो तब खा के हम लोग मस्त अपना गाड़ी में चढ़ गए हैं और चल पड़े हैं अपने रांची की ओर। रांची आ रहे थे तो इसी रोड पे ही होके हम लोग ऊपर गए थे जो कि कहाँ गए थे रे एक घाटी है भैया। हम कहाँ आए थे रांची ही आए थे जू गए थे ना जू गए थे अच्छा अच्छा हाँ भगना लोग को लेके आए थे जू उस टाइम इसी से होके हम लोग ऊपर गए थे और चढ़े थे गए थे। तो ये पतरातू वाला नहीं है वो भी और ये भी ठीक है वो वाला और मस्त लगता है पतरातू वाला वहाँ डैम भी है ना पतरातू डैम। तो फिलहाल हम लोग चलो लेट तो ऐसे भाती इस बार भी थोड़ा हुआ क्योंकि हम लोग वो ये खाने में गन्ना उन्हें खाए तो उससे उसमें ही हमारा 10-15 मिनट उधर भी गया हमारा और ऐसे भी हम लोग थोड़ा लेट से निकले भी हैं आज लेकिन टाइम ज़्यादा लगा हमारा बारिश हुई तो उधर रोक लिया था तो इसीलिए थोड़ा धीरे हो गया 15-20-25 के स्पीड में जाना पड़ा था। चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर होता है देख ऊपर गाड़ी चल रही आ रहा है उधर ऊपर से घूम घूम के वहाँ देखो हम लोग ऊपर जाना भैया एकदम ऊपर टॉप में चलना है। चलिए अभी चलते हैं। फिलहाल फूल थोड़ा है ना ये पेड़ में क्या मस्त लग रहा है एकदम। अभी के समय में फूल दिखाई देगा नहीं बारिश के मौसम में सिर्फ पत्ता हरियाली दिखाई देता है इसमें फूल भी है। चलो बाबा ध्यान से उस दिन आ रहे थे तो डर लग रहा था भाई कोई रास्ता मिलेगा कि नहीं थे गाड़ी मिला तो उसके पीछे पीछे हो गए हम लोग नीचे उतरे थे। आज जैसे हुआ क्या बताएं हम लोग निकले घर से 1:30 बजे और बारिश रास्ते में मिला रास्ते बारिश के कारण धीरे धीरे गाड़ी चला हम लोग बीच में उतरे भी कहा थोड़ा सा सिर्फ एक गन्ना खाए हैं नहीं तो भुट्टा वही गन्ना भुट्टा मक्का इतना जाम जान बुझ के आज लग रहा है वो जाम मिला है। पहुंच गए हैं जहाँ प्रोग्राम हो रही थी लेकिन प्रोग्राम हम लोग लेट से थोड़ा पहुँच गए क्योंकि ख़त्म हो गया तब तक। ये है रांची क्वार्टरी हाउस जहाँ पर सभी लोग निकल रहे हैं शायद प्रोग्राम वगैरह हो गया है के खड़े हैं इधर करीबन हमारी हो गई 10 मिनट से बाहर खड़े हैं अभी कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं बोले नंबर भेज रहे हैं कहाँ हो रहा कहाँ नहीं जो कांटेक्ट किया था वो बाहर हो गया कहीं गया है क्या शायद पता नहीं नंबर कुछ कांटेक्ट दे रहे बोल के कहाँ से आरो नहीं किया 10 मिनट से तब से हम लोग बाहर खड़े हैं सारा प्रोग्राम वगैरह सारा ख़त्म हो गया है और नहीं तो बेकार गाना हो गया था क्या करते देखते हाँ कुछ ना कुछ होगा ही इधर से नहीं तो हम लोग निकल जाएंगे जो नेतरहाट सोचे उधर निकल जाएंगे क्या लास्ट में और रिसीव करने के लिए हमें आए तो हम लोग आ गए ऑर्डर हाउस के अंदर में और यहीं पे देखिए स्टेज था जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हुआ था झारखंड टूरिज्म के थ्रू से ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे हम लोग मतलब आज बोले ना 7-8 घंटा आज लेके आज लेट भी आ गए हैं रांची रांची की निकलेस मॉल उधर तो प्रोग्राम वगैरह सारा ख़त्म हो गया लेट में हम लोग पहुँचे ही थे आ गए बोले मॉल थोड़ा सा घूम लेंगे चलिए और आज रांची में ही रुकना होगा हमारा कचरा कहाँ से लगा तुम्हारे पेंट में क्या पता ध्यान ही नहीं लग रहा जी कैसे कर रहे हो भुजू है आ जा पापा अरे पापा रे पापा आने के लिए आ जा कम 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 काम कम कम मशान मैं क्यूट सा अभी हम लोग चलेंगे मॉल की ओर थोड़ा सा चलेंगे अरे कहाँ से हम भी निकल जाए ऐसे अरे 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 बाबा ने बाबू का थोड़ा हाथ घिसा क्या चलिए अंदर इंटर कर गया फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ऊपर पहले बाहर थोड़ा घूम लेते हैं उसके बाद जाएंगे थोड़ी सी ऊपर के लिए ना तो इनको दिख गया जो दिखना नहीं चाहिए वही दिख गया पे यही सब कहा आ जाता है भाई सबसे पहले
नाइका, इसे नाइका ये ब्रांड का ही, उसी का ही सब है सारा। हम लोग KFC आए हुए खाने के लिए, कुछ ये चिकन वगैरह आया है और ये कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा बहुत खाए थे तो इसमें तो कुछ बुझाया है नहीं, तो इसीलिए बोले चलो इधर से कुछ खा लेते हैं, तो वही थोड़ा बहुत जो नहीं हम खा लेते पहले। अब संभाल लेंगे कैसे तू अंजलि, इसको खाने का टाइम घींचा कैसे टाना के लिए इधर, अब वो थोड़ी छोड़ेगा वो देखने के बाद। तो चलो दोस्तों इधर जो आया हमारा खाना खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इधर से हमारी, तो ये भी दे मेरे को दीजिए। तो इधर से खाने पीने में हम लोग लग गए क्योंकि भूख लग गई थी, तो ये तो बोले चलो खाना वाना ऑर्डर कर लिया, वही खा रहे हैं। और तो दोस्तों इधर से हम लोग रात को बहुत ज़्यादा हो गई थी, और देखे आप लोग पहली बात तो यहाँ पर जिस काम से आए थे वो तो काफ़ी लेट पहुँचे, और आज शायद नसीब ख़राब था हमारा, तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा लेट पूरा गाड़ी हुआ ही, और वहाँ भी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग पहुँचे इसी कारण से। तो फिलहाल तो हम लोग इधर ही रुके हुए हैं मोंटे भाई के इधर को, तो रांची में ही रुके हुए, उसके बाद अभी इधर से हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। और बड़ी अफसोस हो रहा है दीदी कि हम लोग जो आए, अच्छा वो गिफ्ट दिखाया नहीं क्या मिला, अच्छा दिखाएंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्या मिला हमें। तो चलो अभी ये वीडियो ये एंड करते हैं और फिर मिलते हैं, और हम लोग अभी नेतरहाट निकलेंगे, इसी कारण से रेडी होना है। हमारे धर्म पत्नी जी सारा साड़ी देख रहा सब छितरा कर रख दिया, कौन सा पहने कौन सा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।